एक आदमी था, उसने अपनी वाइफ से कहा कि सुनो बड़ी, ये ठंड के दिन हो गए हैं, थोड़ी ठंडक हो गई है, बारिश के दिन आ रहे हैं, बादल है, आज धूप भी हल्की हल्की है, बादल भी हल्के हल्के हैं, एक काम करो ना, आज संडे है, तुम खाना बनाओ बढ़िया, अपन ऐसा करते छत पे खाते हैं, टेरेस पे। वाइफ बोली कि अरे छत पे तो खा सकते हैं, लेकिन छत पे तुमने सीढ़ियाँ तो बनाई नहीं, छत पे चढ़ेंगे कैसे? और हाँ, मैंने तो सोचा नहीं था कि छत पे बैठ के भी खाने का मजा आ रहा होगा। देखो, किचन में, घर में डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना अलग बात है, लेकिन खुले आसमान के नीचे आपने खाया, कभी खाया ही होगा, वो खाना ही अलग बात है, उसकी मजा कुछ अलग है। तो उसने कहा, एक काम करो, मैं तुम जब तक बैंगन का भरता बनाओ आज बढ़िया शानदार वाला, उसको बिल्कुल अंगारे पे जैसे दादी बनाया करती थी ना वो वाला, और मैं तब तक क्या करता हूँ, सीढ़ी बना लेता हूँ। सीढ़ी कैसे बना लो? अरे वो जो गैरेज में बैम्बू पड़े ना, बांस बड़े वाले बैम्बू, उसको लाते दो कर रखेंगे और काट काट के, चल बेटा अपन लोग सीढ़ी बनाते हैं। वो बेटे को लेके गया, उसने कहा ला वो फनर की लेके आ रही, लेके आ, मैं काटता हूँ उसको। उसने काटा, उसको बांधा रस्सी से, ये देख कैसे बनाते हैं सीढ़ी, दो बांस रखे, अब इसका एक पीस निकाल, दे मुझे पीस, अब इसको दोनों रस्सियों को से बांध देते। उसने बांधा, फिर एक पैर रख के चढ़ के देखा, हाँ देखो अब मजबूत है ना, अब मैं इस पर चढ़ता हूँ, अब ला तू मुझे और देता जा। वो बांधता गया, चढ़ता गया, बांधता गया, चढ़ता गया, थोड़ा और ऊपर गया, थोड़ा और ऊपर गया, ला बेटा दे दे। काफ़ी टाइम लग गया, जब तक वाइफ भी खाना बना रही थी, खाना बना के ले आई वो। जैसे वाइफ थाली लेके आई, उसने कहा, अरे 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 ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों? अभी मैंने तुमसे कहा था कि सीढ़ी बना रहा हूँ। अरे तो सीढ़ी तो छत पे चढ़ने के लिए बना रहे थे ना। हाँ तो छत तो कब की निकल गई, तुम तो और ऊपर तक सीढ़ी बनाए चले जा रहे हो यार, हैं? तो छत तो कब की निकल गई? उसने कहा, सुनो सुनो, अब तो मुझे सीढ़ी बनाने में मजा आ रहा है, एक काम करो, तुम ये रोटी है ना, उसमें थोड़ा अचार अचार लगा के गोल करके दे दो, अब तो मैं सीढ़ी बनाता जा रहा हूँ, बस सीढ़ी बनाता जा रहा हूँ। हम भूल ही गए कि हम सीढ़ी बना क्यों रहे थे। सीढ़ी हम बना रहे थे छत पे चढ़ने के लिए। घोंसले बनाने में मैं इतना व्यस्त हो गया, घोंसले बनाने में मैं इतना व्यस्त हो गया कि ये भी भूल गया कि भगवान ने मुझे एक पंख ना, पंख उड़ने से ही रहता। एक पंछी घोंसले बनाने में इतना व्यस्त ना हो कि वो ये भूल जाए कि उसके पास उड़ने के लिए पंख भी हैं। तो देखिए वो कितनी अनोखी सी बात। और हमारे साथ भी क्या ये नहीं हो रहा है क्या? हमने पैसे कमाना शुरू करा, उसके बाद से हमें कमाई का ऐसा चस्का लग गया, सेविंग का चस्का लग गया, अब हम सेविंग ही सेविंग करते चले जा रहे हैं, सेविंग ही सेविंग करते चले जा रहे हैं। मेरी मदर एक कहानी सुनाती थी, वो कहने लगी थी, एक सेठ जी थे, उन्होंने खूब पैसा जोड़ा, पेट काट के मतलब ये नहीं खरीदना, वो नहीं खर्च करना, इसको बचाना, उसको बचाना करके खूब पैसा जमा किया, सेविंग करी, और सेविंग कर करके खूब सारा पैसा जब जमा हो गया, एक दिन उन्होंने कहा चलो इसको जरा गिनते हैं। उन्होंने सब दरवाजे खिड़की बंद करे सारा, क्योंकि तिजोरी खोलनी थी, सब खिड़की उड़की में ताले लगाए, अंदर अपने आप को बंद करा, तिजोरी खोली और निकाला, गिनते चले जा रहे, 1,00,000, 10,00,000, 12,00,000, 15,00,000, 20,00,000, करीब 40,00,000 रुपए उन्होंने गड्डी बना के जैसी रखी तो देखा बगल में कोई आदमी खड़ा हुआ। अरे तुम अंदर कैसे आ गए? मैंने तो दरवाजा बंद किया था। वो आदमी बोला, हमें अंदर आने के लिए दरवाजों की जरूरत नहीं पड़ती, हम यमराज हैं, यमराज हैं। यमराज मतलब? अरे यमराज को नहीं सुना नाम तुमने, हैं? अरे हम लेने आए हैं तुमको। लेने? कहे के लिए लेने आए? अरे भगवान जी के घर टाइम हो गया तुम्हारा। अरे 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 सुनो 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 यमराज जी, अब समझो मेरी प्रॉब्लम, अरे हम किसी की नहीं सुनते, तुम्हारा हो गया टाइम, चलो 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 जो फटाफट निकलो मेरे साथ, पकड़ के ले आओ गर्दन पकड़ के जबरन, हमारे साथ लोग नहीं जाते तो हम गर्दन पकड़ के ले आते। अरे देखो देखो मेरा स्पेशल केस है थोड़ा, समझो जरा कि अब मैंने इतना मेहनत से पैसे जोड़ के मैंने, साहब यमराज जी आप जरा मुझे आंसू आ गए, देखो कितने 40,00,000 रुपये मैंने जोड़ के जमा करिए, मैंने कुछ खाया पिया नहीं, और अब जब मैं सोचा कि गिन लूं कितने पैसे हुए और मैं कुछ एंजॉय करने जाता और तुम आ गए, तो भाई मुझे कम से कम एक हफ्ता तो दे दो। एक हफ्ता? हम तुम्हें एक मिनट नहीं दे सकते। अच्छा एक हफ्ता नहीं भाई, एक काम करो 3 दिन, सिर्फ 3 दिन मुझे दे दो, ये 40,00,000 में खर्च कर लूं फिर चलेंगे अपन। यमराज जी बोले कि जो काम तू पिछले 60 साल में नहीं कर सका वो अब 3 दिन में तू क्या कर पाएगा, है? तेरे बस की नहीं है खर्च करना, वो तेरी किस्मत में नहीं था, था तेरे पास बैंक में रखा था लेकिन तेरा नहीं था, तेरी किस्मत में नहीं था, था तेरी तिजोरी में रखा था लेकिन तेरा नहीं था, तू गरीब पैदा हुआ और गरीब ही मरा, क्योंकि तेरे पास इतना सारा पैसा था लेकिन उसने यूज नहीं करा, तो तू गरीब का गरीब। गरीब का मतलब यह नहीं कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, गरीब का मतलब यह कि आप जीते कैसे हो,
आप इंजॉय कैसे कर पाते हो। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप खूब ज़्यादा पैसा उड़ाने की ज़रूरत है, पैसा नहीं लगता, ज़रूरत नहीं है पैसे की बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के लिए। अरे आप किसी दिन घर जाओ और मज़े से अपने घर, और अपने घर में जाके किसी दिन लोग जाते हैं अपने घर में और जैसे ही उनके घर जाने का टाइम होता है उनकी वाइफ घर पे समझ जाती है, सुनो 5 बजने वाला है अब मेरे हस्बैंड आते होंगे, तो वो अपनी पड़ोसन से कहती है सुनो तुम भी अपने घर जाओ भैया मुझे भी जाना है सब काम, और ये ना मेरा पति आते होंगे, ये क्या रिमोट यहाँ रखा हुआ है, रिमोट को सही जगह पे रखो बिल्कुल, और बच्चों चलो ये क्या कार्टून लगा था तुम लोग, बदलो चैनल आज तक कल तक परसों तक कोई सा भी तक लगा दो यार, है ना। वो मेरे जो हस्बैंड है ना उनको न्यूज़ देखना बहुत पसंद है, मतलब जब तक 2-4 आदमी को मरा हुआ देखते नहीं है ना खाना ही नहीं खाया जाता। कभी कभी टीवी में कोई मरता नहीं है तो वो न्यूज़पेपर उठा के देखने लग जाते हैं कि उसमें उठावना आता है ना बरसी उठावना और कोई मर गया का कालम, वही पढ़ लेते हैं, कहते हैं पेपर में कुछ है ही नहीं आजकल, नहीं होता तो वो डिस्कवरी लगा लेते हैं कि कोई शेर ने हाथी के बच्चे को मारा हो वही देख लें, मतलब मृत्यु की देखने की इतनी आदत हो गई है कि मत पूछो। और तू भी अपने घर जा भाई, बच्चों से तुम लोग पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, पापा आते होंगे, मम्मा पढ़ तो लिया हम लोग ने यार, पढ़ तो रहे दिन भर से, आपको तो मालूम ही है पढ़ रहे, अरे मुझे मालूम है पढ़ रहे लेकिन पापा आने वाले तो मालूम है डांटेंगे वो, तुम्हें काम करो एक्टिंग करो पढ़ने की, एक्टिंग करो एक्टिंग, और क्या मैं भी इतने सारे साल से क्या कर रही हूँ, एक्टिंग ही तो कर रही हूँ, चलो बेटा पढ़ो ना। अरे बाप रे, आदमी आया ऐसा लगा जैसे आदमी नहीं आया कोई हिटलर आ गया, आदमी पति थोड़ी रहा, पति पति तो गया मर गया कब का पहले का, अब तो हिटलर आ गया, हिटलर बिल्कुल आए जैसे घर में तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया घर में, अब बच्चे अपने काम में लग गए, पत्नी अपने काम में लग गए, सब चीज़ें जगह पे हो गई, और अरे और आपका टीवी चल गया आज तक कल तक परसों तक, उसमें न्यूज़ आ रही कि देखिए मैं बताता हूँ कि किस तरह एक बाप ने अपने ही बेटे की गला रेत कर हत्या करी लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप कहोगे सुनो सुनो जल्दी से चाय ले आओ, हत्या आ रही है बड़ी मज़ेदार बताएंगे, है ना। वाइफ भी आपको अच्छे से जानती है, वाइफ कहेंगी तुम क्या आज तक में देख रहे हो, वो IBM 7 लगा के देखो उसमें हत्या का रूपांतरण भी दिखाते हैं, बिल्कुल बढ़िया। अरे बाप रे, हम चाय में बिस्किट की जगह न जाने कितनी हत्या डोब के खा रहे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा मत करिए, बल्कि किसी दिन घर जाइए और थोड़ा सा चैनल को बच्चों ने लगा दिया आज तक कल तक उसको चेंज कर दीजिए, थोड़ा MTV लगा दीजिए, म्यूज़िक चैनल कोई सा भी लगा दीजिए, VTV लगा दीजिए, और जरा सा वाइफ के साथ बोलो, उन वाइफ से कि सुनो इधर तो आओ जरा पास आओ, बोलो क्या हुआ, थोड़ा डांस करते गाना बहुत अच्छा रहा, ओ मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, वाइफ कहेगी क्या बात है तुम आज कहाँ से आ रहे हो। तो भाई तबीयत तो ठीक है, अचानक से ये मेरी जोर जब ही चलने लगा, अरे नहीं मेरी तबीयत ठीक है, वो क्या हुआ आज हमारे ट्रेन आप तुम गए जा नहीं पाई ना, आज हमारे ऑफिस में चैलेंज श्रीवास्तव आए थे, वो अपनी पत्नी के साथ बड़ा डांस करता है वो आदमी, साला कोई पैसा नहीं लगता कुछ नहीं लगता, और हम लोग इतने पैसे खर्च करके इंजॉय करते हैं मज़ा ही नहीं आता।